हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक मलिक। दोस्तों, आज का ये व्लॉग नहीं है, ये काइंड ऑफ एक सीरियस वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि मैं अपने यूट्यूब का चैनल का नाम जो है चेंज करने वाला हूं। मेरा जो चैनल है जिसका नाम है द हिटलर अंकल व्लॉग, मैं उसको चेंज करने वाला हूं। और ये मेरे को चेंज क्यों करना पड़ रहा है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का बना रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में इस वीडियो में मैं आप लोगों से वोट भी मांगूंगा, तो काइंडली वो वोट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक एक वोट जो आप लोग मेरे को बताओगे वो बहुत 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 मैटर करता है। बात कर लेते हैं एल्गोरिदम की, कि एल्गोरिदम क्या होता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ अपने इस बॉडी का। मेरे बॉडी का एल्गोरिदम मेरे माइंड में है। मेरे बॉडी का एल्गोरिदम मेरे को ये बताता है कि मेरे को कब चलना है, कब मेरे को खाना खाना है, कब मेरे को अपनी उंगलियां हिलानी है, कब मेरे को ऐसे खुजाना है। तो ये काम मेरे बॉडी का एल्गोरिदम के हैं। इसी तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिदम है। यूट्यूब के एल्गोरिदम का काम क्या होता है वो सबसे मेन चीज़ है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए अगर आप यूट्यूब में आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूट्यूब का एल्गोरिदम ये चीज़ें निश्चित करता है कि हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं वो कब उसको होम पेज पे दिखाएगा, कब वो किसी की सजेस्टेड वीडियो में दिखाएगा, या कब वो किसी को रिकमेंड करेगा। ये यूट्यूब के एल्गोरिदम का काम है। इसी तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिदम के बहुत सारे काम हैं। यूट्यूब को अपना एल्गोरिदम क्यों रखना पड़ा, या उसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर यूट्यूब अपने एल्गोरिदम को ईयरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे क्यों चेंज करता रहता है। सबसे पहली बात, यूट्यूब का एल्गोरिदम रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूट्यूब को अपने आप को चलाने के लिए एक माइंड की ज़रूरत है, तो एल्गोरिदम एक माइंड की तरह काम करेगा। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब ईयरली और मंथली बेसिस पे अपने एल्गोरिदम में थोड़े थोड़े चेंजेस करता रहता है। वो चेंजेस क्यों करने पड़ जाते हैं उसको, क्योंकि क्या कुछ स्पैमर्स हैं, कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के एल्गोरिदम को जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे वर्क करता है, तो फिर वो लोग यूट्यूब के एल्गोरिदम का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब को काफ़ी नुकसान होता है। इस वजह से ही यूट्यूब हमेशा ईयरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अपने एल्गोरिदम को चेंज करता रहता है। आज से बहुत साल पहले जब यूट्यूब ने अपने आप को शुरू किया था तब व्यूज़ और सब्सक्राइबर जो हैं ये मैटर करते थे, लेकिन आज की डेट पे ये सब चीज़ मैटर नहीं करती है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर, आपके पास कितने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर क्यों ना हो, आपके चैनल पर कितने ही ज़्यादा लोग क्यों ना हो और कितना ही व्यूज़ उस पर आ जाए, वो मैटर नहीं करेगा जब तक कि आपका वॉच टाइम अच्छा नहीं होगा। आपका वीडियो कभी भी टॉप लिस्ट में नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीज़ हो गई यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसी तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये चीज़ भी आती है कि यूट्यूब कुछ शब्दों को, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट नहीं करता है। अब वो चीज़ें हो गई जैसे कि अगर कोई पॉलिटिशियन अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है किसी गलत तरीके से, तो वो यूट्यूब कभी प्रमोट नहीं करेगा। अगर यदि कोई किसी से पैसे मांग रहा है तो यूट्यूब कभी उसको प्रमोट नहीं करेगा। किडनैपिंग वगैरह या फिर कुछ और अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो यूट्यूब उसको कभी प्रमोट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो मेरे चैनल का नाम है द हिटलर अंकल व्लॉग, इसमें लगा हुआ जो ये हिटलर शब्द है, इसकी वजह से शायद यूट्यूब मेरे चैनल को भी प्रमोट नहीं कर रहा। कुछ लोगों के लिए हिटलर जो है महान व्यक्ति है और कुछ लोगों के लिए हिटलर अच्छा आदमी नहीं है। अब यूट्यूब इसको किस तरीके से लेता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यूट्यूब में एज ए करियर के तौर पे आया हूँ, या यूट्यूब में मुझे अपना करियर अगर बनाना है तो मैं यूट्यूब में एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। मुझे एक्सपेरिमेंट करने की पूरी छूट है, तो मैं इसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने यूट्यूब के चैनल को यूट्यूब के नाम को बदलना चाह रहा हूँ। तो उसके तौर पे मैंने अपने व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में लोगों से सजेशन मांगा था। मैंने एक लिस्ट तैयार करी थी यूट्यूब के चैनल्स की, जिसमें मैंने अपना यूट्यूब के चैनल खुद से अपनी मर्जी से मैंने बैठ के काफ़ी टाइम दे के वो चैनल का नाम डिसाइड किया था। कुछ 20-25 चैनल के नाम मैंने सेलेक्ट कर लिए थे अपने यूट्यूब चैनल के लिए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से वो सजेशन मांगा कि कौन सा नाम अच्छा है। सब लोगों से सजेशन मांगा था, मिनिमम 5 नाम बताओ मेरे को जो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, उसमें से जो सबसे कॉमन नाम रहेगा जो ज़्यादा लोग सेलेक्ट करेंगे उसको मैं अपना चैनल का नाम रखूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दिल से आप लोगों को थैंक्स है कि आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से वो वोट किया, बहुत अच्छे से मेरे को सजेस्ट किया कि मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल का नाम क्या रखना चाहिए। एक एक बंदा जिसने मेरे को सजेस्ट किया है उसका एक एक वोट बहुत मैटर किया है मेरे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा मैटर किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने उसके वोट को या उसके सजेशन को इग्नोर कर दिया है। अगर किसी का सजेशन
नाम नहीं आया है, तो ये बिल्कुल भी ना माने कि मैंने उसको जानबूझकर ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक कॉमन नाम सेलेक्ट किया है और वो कॉमन नाम का भी सजेशन मैंने बाद में आप लोगों से मांगा है। आप लोगों के पास दोबारा मेरा मैसेज आया होगा और उसमें आप लोगों ने फिर उन दो कॉमन नाम में से भी मेरे को वोट किया होगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी YouTube की फैमिली से भी एक सजेशन मांगना चाह रहा हूँ, जो YouTube में मेरे सब्सक्राइबर हैं। जो लोग Instagram और WhatsApp में मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो लोगों का तो ऑलरेडी पोल हो चुका है, वो लोग ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। लेकिन जो लोग YouTube में हैं, सिर्फ उन लोगों को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे इस पोल में, मतलब इस सजेशन लिस्ट में, दो नाम सेलेक्ट हुए हैं। पहला नाम तो ये है कि लाइफ अनकट विद अभी, और दूसरा नाम ये है कि ट्रेवलिस्टर अभी। ये दोनों ही नाम आप लोगों की स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बस इतना करना है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम में मेरे को वोट करना है और ये बताना है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा नाम मेरे यूट्यूब चैनल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी वोट सीधा कर सकते हैं, या मेरे को टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कौन सा नाम अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से मेरे को यही जानना था और आप लोगों को यही बताना था। अब जो है मेरा आगे जितने भी व्लॉग आने वाले हैं वो मेरे नए चैनल के नाम के साथ आने वाले हैं। ये वाला व्लॉग मेरे पुराने चैनल के नाम के साथ ही आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, प्लीज़ वोट करें, प्लीज़ वोट करें और मेरे को बताइए कि कौन सा नाम मेरे चैनल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा, मैं आप लोगों के वोट का इंतज़ार करूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मिलेंगे आप लोगों से अपने आने वाले अगले व्लॉग के अंदर, जो कि एक व्लॉग ही होगा और नए चैनल के नाम के साथ होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।